चल दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर हमारे घर तक बिजली कैसे आती है, और बिजली में जो आपका फेज और न्यूट्रल, ये जो तार होता है, अर्थ वायर, चाहे आपका न्यूट्रल हो गया, फेज हो गया, कई बच्चों को यह बात नहीं समझ में आता कि फेज क्या होता है, न्यूट्रल क्या होता है, अर्थिंग क्या होता है। तो इन सारी बातों को आज हम लोग समझेंगे। क्या क्या समझेंगे? तो पहले समझेंगे आखिर हमारे घर तक बिजली कैसे आती है, उसके बाद फेज, न्यूट्रल, अर्थिंग, ये सारी तारों की हम लोग बेसिक जानकारी आज की इस वीडियो में हासिल करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि देखो बुआ, दो तरह का तार यूज करी जाती है हम लोग के जो परिपथ में। वो आपका होता है एक विद्युतमय तार, या जिसको गर्म तार कहते हैं, मतलब इसको लाइव वायर कहते हैं, जीवित तार भी कहा जाता है, नाम थोड़ा सा अलग अलग ज्यादा पड़ जाता है। याद रखिएगा, फेज जो तार होता है ना, उसको विद्युतमय तार, चाहे गर्म तार, चाहे लाल तार, चाहे लाइव वायर, चाहे आप जीवित तार भी उसको कह सकते हैं। लेकिन जो न्यूट्रल होता है उसको उदासीन तार या ठंडा तार या ठंडा तार या काला तार भी कह सकते हैं, उसका रंग काला होता है। तो दो तरह का तार हमेशा गुजरता है, और एक तीसरा तार भी गुजरता है, उसकी भी मैं चर्चा करूंगा। बस अभी यहां पर आप फोकस करिए। देखो वो यहां पर सबसे पहली बात हम लोग इस बात पर फोकस करते हैं कि आखिर बिजली हमारी घर तक आती कैसे है, ठीक है ना। उसके बाद और सब बातें जानेंगे। देखो, बिजली जो उत्पन्न, जहां उत्पन्न होती है उसको पावर स्टेशन कहते हैं। बिजली वहां पर उत्पन्न होती है, और वहां पर जानते हैं जो बिजली उत्पन्न होती है उसका वोल्ट बहुत कम होता है। उस बिजली का वोल्ट 220 वोल्ट तक लगभग आसपास होता है, मान लो कि, मतलब वहां पर जहां पावर स्टेशन पर बिजली उत्पन्न होती है वहां पर उसकी वोल्ट बहुत कम होती है। अब उसकी वोल्ट को बढ़ाने के लिए एक ट्रांसफार्मर प्रयोग करी जाती है, जिसको ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। ये ऊंचाई ट्रांसफार्मर प्रयोग करी जाती है। ये ट्रांसफार्मर क्या करता है कि जहां पर कम वोल्टेज का जो बिजली आता है उसको हाई वोल्टेज बनाकर वो हमारे पास भेजता है, ठीक है ना। अब जो 220 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है, आपका जो बिजली था वो कितना 2200 वोल्ट का हो जाता है। अब सोचिए, जब ये 2200 वोल्ट का डायरेक्ट हमारी घरों में आएगा तो साला सब पंखा उनका जो हीटर स्टी जो होता है सब तो उड़ जाएगा ना। तो इसके लिए क्या करी जाती है, एक और ट्रांसफार्मर यूज करी जाती है, जो हम लोग को पोल पर सभी लगा रहता है। तो ये अपचाइट ट्रांसफार्मर होता है। देखो, ट्रांसफार्मर दो तरह की होती है, एक जहां पावर स्टेशन होता है वहां पर प्रयोग करी जाती है, और एक हमारे चौक चौराहे पर जो लगा होता है ट्रांसफार्मर। तो यहां पर ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या करता है, देखो इसको बोलेंगे स्टेप अप, मतलब ऊंचाई ट्रांसफार्मर, आ इसको बोलेंगे अपचाई ट्रांसफार्मर। दो तरह का होता है वो, ठीक है ना, क्योंकि मैं ट्रांसफार्मर पर ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, जाकर देखिए, और ट्रांसफार्मर की सारी बेसिक मैं उसमें बता चुका हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर हम लोग सिर्फ जानेंगे कि आखिर हमारी घर तक बिजली कैसे आती है, उसमें फेज, न्यूट्रल, अर्थिंग, ये सब तार क्या होता है, इस सब बात पर हम लोग फोकस करते हैं। तो जो जहाँ पर पावर, मतलब जहाँ पर बिजली उत्पन्न होती है उसको पावर स्टेशन कहते हैं, और वहाँ पर बिजली की वोल्टता बहुत कम होती है, तो इस वोल्टता को बढ़ाने के लिए वहाँ पर ट्रांसफार्मर प्रयोग कर जाते हैं, इसका नाम होता ऊंचाई ट्रांसफार्मर। ये ट्रांसफार्मर क्या करता है कि जो कम वोल्टेज वाला बिजली था उसको हाई वोल्टेज में बनाकर फेंक देता है। कितना 220 का है तो उसको 2200 वोल्ट बनाकर फेंक देता है। अब क्या है कि जब 2200 वोल्ट का ये फेज और न्यूट्रल से हमारे घर तक बिजली आएगी तो क्या हम लोग का जो उपकरण है खराब नहीं होगा, एकदम उड़ जाएगा, क्योंकि 2200 वोल्ट बहुत ज्यादा होती है। तो उसके लिए एक और बीच में ट्रांसफार्मर लगाई जाती है। ये ट्रांसफार्मर क्या करता है कि जो 2200 वोल्ट का आपका बिजली है उसको फिर कम करके 220 वोल्ट ला देता है। अब 220 वोल्ट ला दिया, इसका मतलब ये सब जो बिजली होती कम, बहुत कम हो गया, जो सामान्य उपकरण के लिए एकदम अच्छा होता है। यही जो बिजली होता है हमारे घर तक आने का काम करती है। अब देखो, यहाँ एक बात फोकस करिए जरा पर। अब देखिए, दो तरह का ट्रांसफार्मर, एक ऊंचाई और दूसरा अपचाई। ऊंचाई क्या करता है, कम को अधिक करता है, और अपचाई क्या करता है, अधिक को कम कर दिया। तो जो कम के अधिक करेगा वो ऊंचाई, और जो अधिक 2200 वोल्ट को 220 बना दिया तो जो अधिक को कम कर देगा उसको अपचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। देखो, हमारे घरों में बिजली आने के लिए ये दोनों ट्रांसफार्मर अहम भूमिका अदा करता है। अगर सोचिए, यहाँ पर 220 वोल्ट का आपका क्या होता है कि बिजली उत्पन्न होती है, ये हमारे घर तक आएगा तो सारा रहे में रह जाएगा। 220 वोल्ट बहुत होता है, क्या आपके घर पर बिजली बनती है? नहीं, ये आपका मतलब बहुत दूर आपके घर से बनता है। देखे ना, बिजली क्या होता है, इसका मेन कनेक्शन या तो छपरा होगा, मतलब हर रूट में अलग अलग होता है। हमारे एरिया में छपरा में आपका मेन इसका कनेक्शन है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है बुआ, तो जहां बिजली उत्पन्न होती है उसको पावर स्टेशन कहते हैं, वहां पर कम वोल्ट की बिजलियां उत्पन्न होती है। वहां से ट्रांसफार्मर प्रयोग करेंगे तो ये जो ट्रांसफार्मर होता है ऊंचाई, ये कम वोल्टता वाले बिजली को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है मतलब 2200 वोल्ट का लगभग हो जाता है, और 2200 डायरेक्ट हमारी घरों तक आएगी तो सारा उपकरण उड़ जाएगा। इसलिए इसके बीच में हम लोग पोल पर ट्रांसफार्मर प्रयोग करते हैं। ये ट्रांसफार्मर क्या करता है कि जो हाई वोल्टता का जो बिजली था उसको कम वोल्टेज में कन्वर्ट करने का काम करता है, ठीक है।
और यही बिजली हमारे घर तक क्या होती है, आने का काम करती है। अब देखो बिजली तो ये तो समझ गए कि हमारे घर तक बिजली कैसे आ रही है। तो पावर स्टेशन से एक ट्रांसफार्मर प्रयोग करते हैं, वो हाई वोल्टेज लो वोल्टेज को हाई में कन्वर्ट करता है, और ये हाई वोल्टेज डायरेक्ट हमारी घरों में नहीं है, उसके लिए हम लोग डायरेक्ट वहाँ पर एक और पोल चौक चौराहे पर ट्रांसफार्मर लगाते हैं। ये ट्रांसफार्मर क्या करता है कि जो 2200 वोल्ट का बिजली है उसको कम वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, और ये बिजली हमारे घर तक पहुँच जाती है। तो समझ गया कैसे बिजली आती है। अब देखो, अब जब बिजली आ रही है तो इसमें बहुत तरह तरह का हम लोग तार यूज करते हैं। दो तार यूज करेंगे, मेन तार होता है, एक होता है फेज जिसको एफ से सूचित किया है, और दूसरा होता है न्यूट्रल जिसको हम लोग एन से सूचित किया है। ठीक है ना, इस बात पर थोड़ा सा फोकस करिए। यहाँ पर देखो तो दो तरह का तार का प्रयोग करते हैं, एक फेज एक न्यूट्रल। होता क्या हुआ कि फेज से धाराएं जाती है और न्यूट्रल से धाराएं होकर हमेशा आती है। ये फेज आपका मेन होता है, इसी में आपका फ्यूज उज ये सब जोड़ा जाता है। किसमें? फेज वाला, मतलब विद्युतमय तार, चाहे जीवित तार चाहे लाइव तार या गर्म तार इसको कहते हैं। इसी में आपका जो फ्यूज हो गया, स्विच हो गया, वो सब श्रेणी क्रम में जोड़ी जाती है। ठीक है ना, कौन सा भले समानांतर क्रम में ऐड करी जाती है। ई का होता है कि बहुत बड़ा, समझिए कि क्या होता है, फैक्टर होता है। ठीक है ना, तो समझ गए, जितना भी उपकरण होगा वो सब विद्युतमय तार, मतलब इसी में आपका ये जो फ्यूज होता है, भले फेज वाला जो तार होता है, इसमें सब समानांतर क्रम में जोड़ी जाती है। मैं आपको वो भी दिखाऊंगा, ठीक है ना। तो ये समझिए अभी कि अभी दो तरह का तार हम लोग के घर में प्रयोग होता है, कौन कौन सा? एक होता है फेज और दूसरा न्यूट्रल। फेज को हम लोग विद्युतमय तार चाहे लाइव वायर चाहे गर्म तार कहते हैं, जिसका रंग हमेशा लाल होता है। ठीक है, और उसके बाद एक और तार यूज करते हैं जिससे धाराएं होकर जाती है, कहते हैं जिससे धाराएं होकर जाती है, उस तार को हम लोग क्या कहते हैं, ठंडा तार या उदासीन तार या काला रंग का, उसे हम लोग तार कहते हैं। वो मरा हुआ मतलब तार कहलाता है। ठीक है ना, इसमें क्या होता है कि इसको छुएंगे ना तो इसमें धाराएं आपको नहीं मारती है। कभी काल मैं आपको एक चीज बताया था, जब विद्युत धारा पढ़ा था चैप्टर ना स्टार्टिंग में, उस समय आपको बताया था कि आपको अपने देखने को मिला हो जो पोल पर ये दो तार जाता है तो चिड़ियावां ये पर बैठा रहती है सब। देखे ना, चिड़ियावां क्या होती है, ससुर ये पर बैठा रहती है सब, आप बैठा रहती है सब, मरती नहीं है सब जल्दी। मान लो ये चिड़िया बैठा है सब, ठीक है, तो ये जो है ना चिड़िया का ये पंख आपका लटकल है, ये चिड़िया का पंख है। मान लीजिए कि आपका क्या एक चिड़िया है, ठीक है ना, ये चिड़िया है। तो होता क्या कि दो को तारवा जब लटकल रहता है, तो मैं उस समय भी बताया था आपको कि इस पर जब चिड़ियावा क्या होता है बैठा रहता है ना इस पर तो उसको करंट नहीं मारता है। क्यों नहीं मारता है? इसलिए नहीं मारता है क्योंकि आपका विद्युतमय तार है, इसमें धाराएं सिर्फ जा रही है, आने का काम नीचे वाले में करती है, जिसको हम लोग उदासीन तार कहते हैं। तो जो फेज होता है उसमें धाराएं जाती है, लेकिन न्यूट्रल में धाराएं क्या होती है, सिर्फ आती है। या वो फोकस करते हैं, जब यहाँ पर चिड़िया ये आपका विद्युतमय तार मतलब फेज पर बैठा रहती है, तब इसको करंट नहीं मारती है। इसका रीजन होता है कि इसमें सिर्फ धराएं जाती है, आ धराएं जाती है तो आने जब आएंगी ना, और आने के क्रम में मान लो कि भाई इसका पंखा तन में हे में ठेक गया ना आपका इसमें उदासीन तरह में, तो चिड़ियावा तुरंत मुंह बा देगा, कर देगा, मर जाएगा ससुरा। अब देखो होता क्या है, यहाँ पर मेन चीज पर फोकस करिए आप। देखो बुआ, होता क्या है कि जो फेज होता है उसमें धाराएं सिर्फ जाती है, लेकिन न्यूट्रल क्या होता है उसमें धाराएं आती है। मान लो कि ये आपका बोर्ड है, ठीक है, यहाँ से गया चिड़िया इस पर बैठ के ऊपर वाले में, ठीक है, ऊपर वाले में बैठेगी तो बेचारे को करंट तो नहीं मारेगा, इसलिए नहीं मारेगा क्योंकि जा रही है। तो जब वापस आएंगे तनी मनी इन्होंने पंखवा किया कि दांत चीर देगा चिड़िया, तुरंत गिर जाएगा। और कई लोग ये कहता है कि जब चिड़िया जब बैठती है ना तो उसके पैर उड़ में खून नहीं होता। अरे खून नहीं होगा तो जीवित कैसे रहेगा? ये तो आपके नॉलेज की कमी है कि आप ऐसा कहते हैं कि चिड़िया के पैर में खून नहीं होता है, जिसके कारण से बिजली के तार पर बैठ जाती है तो उसको करंट नहीं मारता। अरे बकलोल कहीं के, होता क्या है कि इस पर सिर्फ धराया जाती है, आ जाने वाला करंट नहीं मारता। मान लो कि अभी आप पढ़ रहे हैं और आपको कोई कुत्ता भौंकना स्टार्ट कर दे, आपका बुराई करना स्टार्ट करे, तो अभी क्या करिएगा? अभी कुछ नहीं कर सकते हैं। आज ये दिन कुछ बन के वापस लौटेंगे ना, वो दिन अगर कुछ बोल देगा ना तो उसका तुरंत जवाब देंगे। तो होता यही है, एकदम ऐसा है कि अभी जा रहा है तो बेचारा कुछ नहीं करेगा, आते क्रम में अगर भेटा गया नहीं चिड़िया तो इनका होश बिगाड़ देता है। समझ में आ रही बुआ? तो यही बात है, थोड़ा सा फोकस करिएगा। तो जो फेज होता है उसमें धराएं जाती है, न्यूट्रल में धराएं आती है, इसमें करंट नहीं मारता, लेकिन जैसे इसमें आएगा, अगर इसमें भी आपका हाथ टच किया और इसमें भी टच कर दिया तो करंट मारने का काम करता है। तो समझ में आएगा फेज और न्यूट्रल, फेज का रंग कैसा होता है, लाल होता है, न्यूट्रल का रंग हमेशा कैसा होता है, काला होता है। अब एक चीज और जैसा आप फोकस करिए, ये तो बात आप समझ गए। अब यहां पर देखिए, आपका दो तरह का तार यहां से निकल गया, एक तार आपका फेज हो गया और दूसरा तार आपका न्यूट्रल हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर बोर्ड का प्रयोग कर दिए, बोर्ड से आपका कनेक्शन हो गया। होता क्या हुआ कि धाराएं जा रही है तो फिर उसको वापस आने के लिए तो रास्ता चाहिए ना, तो वापस आने के लिए रास्ताएं दे दी जाती है। होता क्या है कि कभी काल बता दिए गए, आप बताए थे जब विद्युत धारा पड़ा था तो उसमें भी शायद चर्चा की है इस बात का, ठीक है ना। होता क्या है, कभी काल जो तारवा होता है शॉर्ट करने लगता है, शॉर्ट मान लो कि दो तार आप लेकर गए, सटाई कर ले जाता, हम यहाँ पर दूरी बनाकर देखें, आप जब भी तार ले जाएंगे फेज और न्यूट्रल, तो होता क्या है कि इन दोनों के ऊपर एक कवर लपटा रहता है जिसको विद्युत
प्रतिरोधी पदार्थ कहते हैं, जिसके कारण से करंट पैदा नहीं होता है। आ कभी काल क्या होता है, दोनों तारों का कवरवा हट जाता है, दोनों तारों संपर्क में आ जाता है। आ जब दोनों तारों फेज और न्यूट्रल जब संपर्क में आ जाता है ना, तो देखिएगा बहुत ज़्यादा धारा प्रवाहित होने लगती है। क्यों? क्योंकि तार का प्रतिरोधता शून्य हो जाता है। प्रतिरोधता शून्य होने का यानी कि उसके ऊपर कवर हट जाता है, ये दोनों सट जाता है। आ सटने का रीजन जब सटेगा, अब एक उंगली कमजोर है, दोनों मिल जाएगा तो बढ़िया नहीं होगा। तो फेज और न्यूट्रल जब मिल जाता है ना, तो इसमें से धारा बहुत ज़्यादा बहने लगती है। अब बहुत ज़्यादा बहने का रीजन होता है कि घर में जो उपकरण लगा रहता है वो सब उड़ने का काम कर देता है, उस समय चिंगारी भी फेंकती है। इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, शॉर्ट सर्किट कहते हैं। शॉर्ट सर्किट का मतलब होता है शॉर्ट करके जो धराएं बह रही है उसको शॉर्ट सर्किट मतलब लघु पतन के नाम से हम लोग जानते हैं। हालांकि लघु पतन और अतिभारण क्या होती है, इस पर मैं पहले ही एक वीडियो बना चुका हूँ, नहीं देखे हैं तो जाकर एक बार देख लीजिए, ठीक है ना। तो मैं चाहता हूं कि आप ये जो विद्युत धारा की जो चैप्टर्स होती है, चाहे जो भी बिजली वाली जो बातें होती है, सबसे आप अनजान नहीं रहे, सारी बातें जान लीजिए, कहीं ना कहीं आपको ये सब काम आएगा। आप कॉम्पिटिशन एग्जाम में तो ससुर कई बार ये पूछता है, कई बार क्वेश्चन ही करता है, याद रखिएगा बुआ। तो हम यहाँ पर थे, फेज और न्यूट्रल, ठीक है ना। ये दोनों तार शटल रहता, शॉर्ट ही जाता, इतना दूर दूर से ले जाएंगे तो बाप रे बाप कुछ और ही हो जाएगा, ठीक है ना। होता क्या बुआ, शॉर्ट के चलेंगे तो कोनो काम बनेगा ना, शॉर्ट के चलेंगे तो कोनो काम बनेगा का? नहीं बनेगा, बात सीधी सी है। जैसे मान लीजिए शादी ब्याह आपका हुआ है, आ शादी ब्याह अपने मेहरारू से आप दूर भागिएगा तो कोनो काम बनने वाला है का? धनी को कोनो काम नहीं बनेगा बुआ, और सही होता है। तारवा के अगर दूर दूर ले जाएंगे तो कोनो काम नहीं होगा, इसी कारण से भीड़ भीड़ एकदम सटा सटा के ले आती है, ताकि एकदम अच्छा से करंट धारा प्रवाहित हो, ठीक है। अब ये समझेंगे, यहाँ पर ये बातें जो मैं बता रहा था इस पर फोकस करी जाए साहब। देखो बुआ, यहाँ पर मैं आपको फोकस कर रहा हूँ एक चीज, ठीक है ना, ध्यान दीजिए। ये आपका फेज हो गया और ये आपका न्यूट्रल हो गया, इस बात से तो आप पूरी तरह से परिचित हो चुके हैं। अब मान लो कि कभी काल क्या होता है, तारवा सड़ जाता है, कवरवा हट जाएगा, इस पर जो कवर होता है, देखे ना, लाल रंग का कवर, ये आपका इस पर ब्लैक रंग का कवर होता है, फेज न्यूट्रल ये सब पर जब कवरवा हट जाएगा, तारवा कभी काल सड़ करने लगता है, तो बोडवा का जब छुएंगे ना तो ये ससुरा करंट मारने लगता है। आप करंट मारने का मतलब क्या होता है, आपको घायल कर सकता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब यहाँ से बचने के लिए एक और तार का प्रयोग करी जाती है, जिसका नाम होता है अर्थिंग तार। किसका? अर्थिंग तार। घर में एक और तार लगाई जाती है जिसको हम लोग अर्थिंग तार के भी नाम से जानते हैं। यहाँ पर एक और तार प्रयोग करी जाती है, ठीक है ना, एक और तार प्रयोग करी जाती है जिसको हम लोग अर्थिंग तार के नाम से जान सकते हैं, अर्थिंग जोड़ दी जाती है। ये क्या करता है कि जितना भी मान लो कि कभी काल शॉर्ट भी कर गया ना, तो जो शॉर्ट जो यहाँ पर अपवाद करंट आ रही है उसको धरती में डालने का काम करता है। आप देखिएगा जो स्विच आजकल की आ रही है, मान लो कि आपका ये स्विच है, ठीक है ना, यहाँ पर फोकस कर जाए सर, इसमें तीन तरह का बटन देता है, ध्यान दीजिएगा। एक आपका यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, देखिए ना। आप प्लग भी तीन टाइप का ऐसे आता है लगाने के लिए, यहाँ पर ऐसे ऐसे आप लगा देंगे तो होता क्या, एक तो आपका फेज हो गया और दूसरा आपका न्यूट्रल हो गया। कभी सोचिए कि तीसरा क्या होता है, ये तीसरा जोन होता है ना, यही आपका अर्थिंग होता है, ई ए आर टी एच आई एन जी, ये क्या होता है, अर्थिंग होता है। इसका काम क्या होता है कि जो भी अपवाद के रूप में धराएं आ रही है उसको धरती के अंदर डाल देने का काम करता है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल दूँ तो मेरे पास एक ऐसा पंखा आया था जिसमें तीसरा था ही नहीं, तीसरा मतलब अर्थिंग था ही नहीं, खाली दो गो ही प्लग था, फेज और न्यूट्रल का। तो हो क्या रहा था कि हमारे पंखवा में करेंट मतलब जैसे चालू है, फेज और न्यूट्रल वाला प्लग वाला लगा दे रहे थे, आज छू रहे थे तो कोनो तार उसमें टच कर रहा था, आ टच करने का रीजन था पंखाओं का जैसे छू रहे थे हमको करंट मारने लग रहा था। सला सोच में पड़ गया एक दिन कि आखिर ही हमका करंट काहे को मार रहा है, तो अभी यहाँ पर मालूम चला कि ये जो पंखावा है हमको अर्थिंग बना ले रहा है, हम जैसे उसको छू रहे धरती पर भाई खड़े हैं तो हमको अर्थिंग बना रहा है, और हमारे सारे जो कढ़ाएँ आ रही है उसको धरती के अंदर देने का काम करता है। अगर यही है आपका अर्थिंग में रहता है ना, अगर कुछ यहाँ पर तार भी अगर शॉर्ट कर दिए तो छूने पर वो करंट नहीं मारता। क्यों? इसका रीजन ये है बुआ कि जो अर्थिंग होता है, जो अपवाद धाराएं होती है उसको धरती के अंदर फेंकने का काम यही करता है अर्थिंग। अर्थिंग दिया, पहले के जमाने में बहुत ज़्यादा अर्थिंग दी जाती थी जो जनरेटर वाला था, आज तो और ज़्यादा है, आज दिखाती नहीं है लेकिन सब दी जाती है। पोल का एक अर्थिंग का काम करता है, जो अपवाद धाराएं के रूप में रहते हैं वो सब धरती के अंदर चला जाता है, ठीक है ना। तो जो बोर्ड होता है उसमें ये जो बड़का गोलवा होता है ना वो अर्थिंग का काम करता है। ये अर्थिंग का मेन काम क्या होता है, जब भी अगर मान लो कि फेज और न्यूट्रल टच करता है, शॉर्ट सर्किटिंग का काम होता है और बोर्ड छूने पर करंट मारता है, तो उस समय अर्थिंग का यही काम होता है कि जो अपवाद धाराएं आ रही है उसको धरती के अंदर डाल देने का, बस यही काम इसका होता है अर्थिंग का। तो समझ गए होंगे फेज क्या होती है, न्यूट्रल क्या होती है और अर्थिंग तार का प्रयोग क्या होता है। अर्थिंग तार कैसा होता है तो हरे रंग का होता है, फेज तार कैसा होता है तो लाल रंग का, न्यूट्रल तार कैसा होता है तो काले रंग का। इन तीन तरह के तारों को आप बेटर से समझ लीजिए। क्या होता है, एक को फेज जिसको विद्युतमय चाहे लाइव वायर चाहे गर्म तार कहते हैं, ये लाल रंग का होता है, और दूसरा होता है न्यूट्रल तार जिसको उदासीन या ठंडा तार के नाम से जानते हैं, ये काले रंग का होता है। और जो अर्थिंग यूज करी जाती है उस अर्थिंग को, वो अर्थिंग जो होता है
वो हरे रंग का होता है, हरे तरह का प्रयोग करी जाती है, ठीक है ना। तो ये आप समझ गए होंगे कैसे हमारे घर तक बिजली आती है और कैसे अर्थिंग का प्रयोग होता है, फेज क्या होता है, न्यूट्रल क्या होता है, अर्थिंग क्या होता है, कि वो कौन कौन से रंग का होता है और यहाँ पर चिड़िया जो होती है उसको करंट क्यों नहीं मारती, ये सारी बातें आप बेटर से समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग एक नई टॉपिक को स्टार्ट करते हुए फिर मिलेंगे।